यस हाँ क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन भेजते हैं नोट डाउन भी करवाया था ठीक है हाँ क्वेश्चन अवेलेबल है आप खुद भी ढूंढ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं ठीक है आप सर्च मारिएगा गूगल पे है ना BBA AQ वो आ जाएगा ठीक है उतना आप कर सकते हैं सो बेसिकली देखिए दो फॉर्मूला है डीवी एक डीवी और एनपीवी में बता देता हूँ ठीक है डीवी का मतलब क्या होता है चलो आप लोग मैनेजमेंट को आप लोगों को पता होगा डिप्रिसिएशन रेट जानते हो यस सर होता है कैसे निकालते हो क्या होता है डिप्रिसिएशन क्या होता है इसका मतलब जानते हो उसका एक एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू ये भी जानते हो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कोई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है ना उसका करेंट मार्केट वैल्यू हाँ मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न भी मिलेगा कुछ ना कुछ उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे पहले से कि आखिर इतना हमें हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया फर्स्ट ईयर में इतना मिलेगा सेकेंड ईयर इतना मिलेगा और मान लो महंगाई भी बढ़ रहा होगा हो सकता है साथ में है ना उसका भी कुछ रेट होगा तो उस हिसाब से हम ये पता करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो क्या इन्वेस्टमेंट मुनाफे का होगा या नहीं होगा अलग पार्ट कर मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ मैंने क्या बोला मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो महंगाई भी तो बढ़ रहा है ना आपका ऐसा ना आखिर उससे जो है आपने जो अभी जो 2 लाख मान लो इन्वेस्ट किया उस 2 लाख का वैल्यू जो है वो क्या होगा कम ही होगा ना 2 साल के बाद बात करोगे तो कम होगा या नहीं होगा तो आखिर उसमें कुछ डिस्काउंट हो रहा है ना उसमें कुछ रेट चेंज हो रहा है ना उसमें उसके बेस पे हम पता करते हैं बेसिकली कि हमारा जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा फायदे का होगा या नुकसान का होगा ठीक है तो वो चीज भी हम फाइंड कर सकते हैं तो ये 2 फॉर्मूला मैं बता देता हूँ ठीक है ऐसे डिटेल से आप लोग मैनेजमेंट के हो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा बट जो एक्सेल में कैसे यूज करते हैं ये मैं बता देता हूँ आप ठीक है सिस्टम कितने लोग लाए हैं आपके मैंने बोला भी था लाने के लिए सिस्टम आपको क्यों नहीं आ सिस्टम बोल रहा हूँ सिस्टम मतलब लैपटॉप ऑन पावर बटन जैसे सिंपल सी बात देखिए डिप्रिसिएशन का मतलब ये क्या होता है आपने कोई बाइक कोई भी व्हीकल खरीदा तो मान लीजिए आपने पहले किसी अमाउंट में परचेस किया होगा लेकिन क्या बताऊं वो अमाउंट क्या है इसके लिए वो रहता है उसका वैल्यू रहेगा नो सर हट जाता है कम होगा ये देखो क्या होता है डिप्रिसिएट कर रहा है मान लो आप कोई बाइक खरीदे मान लो 1 लाख में या 2 लाख में मान लो आपने परचेस किया धीरे धीरे क्या होता है उसका प्राइस हर ईयर कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक डिग्रेड होता है ना तो
उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका निकालना चाहते हैं कि किस रेट से वो डिक्रीज कर रहा है ना, वो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हर एक बाइक का आपने सुना होगा 15 इयर्स का होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिटनेस जो भी होता है उसके हिसाब से। तो मान लीजिए जो लगाया आपने 6 साल के लिए था, कितने साल के लिए था, तो आपको ये भी पता होगा कि इतने साल का इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो आपको पता करना फर्स्ट ईयर में कितना उसका रेट होना चाहिए। अब मान लो बेच रहे हो, आपने कोई बाइक परचेस किया 2 साल के बाद बेचना चाहते हो, तो आप पता लगाओगे ना कि आखिर हमारे बाइक का क्या करंट वैल्यू हो, है ना। तो वो सब चीजें आप फाइंड कर सकते हो। तो मान लो कोई इन्वेस्टमेंट है हमारा, यस, उसका कुछ ना कुछ मान लीजिए अभी करंट वैल्यू 6 साल के बाद होने वाला है, इसके बीच में हम पता लगा कि 1 साल के बाद कितना उसका वैल्यू होने वाला है, 2 साल के बाद कितना होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो फॉर्मूला यूज करते हैं। आई थिंक उसको लाइट को करते हैं, यस, आग ऊपर से ठीक है बच्चों, सर वो प्लग इन करने का ऑटोमेटिकली हो जाता है, स्क्रीन उसका आ जाता है, प्रोजेक्टर पे स्क्रीन शेयर हो जाता है। किस पे प्लग, तो वो प्लग कर ये, यस सर, हां सर, क्योंकि उसका सोनी में ग्लास में प्रॉब्लम है सर, नहीं वो सेलेक्ट करना होता है ना पीजीए या कौन सा, मैं बिजी हूं सर, तो बिजी है सेलेक्टेड है तो काम कर रहा है अभी, यदि एचडीएमआई होगा तो चेंज करना होगा नेक्स्ट ईयर, ये सर। सो बेसिकली देखिए, सबसे पहली बात मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ एक छोटा सा। देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, डीवी, फर्स्ट टू डीवी यूज करते हैं। हमें डीवी का थोड़ा सा कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो एक हेल्प सेक्शन आपका ओपन होगा, विजिबल है आपको, इसमें आप देखिए इसके बारे में अच्छे से क्या है। देखो दिस आर्टिकल describes the formula, syntax and uses of the DBB function. So basically होता क्या है, returns the depreciation of an asset. कोई भी सामान है purchase करोगे, हर साल उसका value क्या होता है, कुछ न कुछ आपका decrease होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 6 साल के बाद आपको पता है इतना होने वाला है उसका, तो आप चाहते हो कि 1 year के बाद कितना होगा, 2 year के बाद, वो चीजें आप find कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Formula देख लीजिए इसका क्या है, यहाँ पे visible होगा आपको, डीबी क्या है यहाँ पे देखिए, हाँ बॉस नहीं दिखाई दे रहा आप लोग, मैं बता देता हूँ, आपने डीबी है यहाँ पे, डीबी जो फॉर्मूला का नाम है, उसमें वैल्यू क्या क्या देंगे, हम कॉस्ट देंगे, सैलरीज देंगे, लाइफ मतलब उस प्रोडक्ट का या जो सामान आपने परचेज किया कितना ईयर का लाइफ है वो हो गया, पीरियड कितने पीरियड का आप निकालना चाहते हो, ठीक है। उसके अलावा मंथ भी है, तो मंथ हमें नहीं जाना है, बस ट्रिप यूज करना है। सैलरी मतलब ये कि 6 साल का पीरियड है, 6 साल का उसका कितना प्राइस रहेगा, क्या वैल्यू रहेगा, दैट इज सैलरी। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट क्या है, रिक्वायर्ड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट, क्या होता है ये, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यस सैलरी, यहाँ पे बैठ जाओ, खाली यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पे कॉस्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट जो उसका होने वाला है, जो जिसमें आपने परचेज किया है, सैलरीज क्या है बताइए, कि आफ्टर कुछ टाइम पीरियड उसका फिक्स होता है, 6 ईयर का मान लो है, तो 6 ईयर के बाद जो लाइफ उसका क्या प्राइस होने वाला है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द, मतलब उस एसेट का वैल्यू जो उसका लाइफ के बाद जो बचेगा उसका वैल्यू वो कितना है,
वो हो गया नहीं है। नेक्स्ट है उसका लाइफ। लाइफ मतलब क्या, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक लाइफ होता है। जैसे बाइक खरीदते हो तो बाइक पे 15 इयर्स का दिया जाता है, कोई व्हीकल खरीदोगे तो 15 इयर्स का दिया जाता है, 15 ईयर के बाद वो फिटनेस का उसका बन। हाँ, तो उसी तरह से हर प्रोडक्ट का लाइफ होता है। नेक्स्ट है पीरियड, मतलब आपको कितने पीरियड का कैलकुलेट करना है, आपको क्या चीज। तो बेसिकली आपको विजिबल होगा यहाँ पे, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे शो कर सकता हूँ, आपको विजिबल होगा क्या है। देखिए डीबी विजिबल होगा यहाँ पे, डीबी के अंदर में क्या लिखते हैं, सबसे पहला क्या होगा, कॉस्ट होगा, मतलब उस प्रोडक्ट का जो इनिशियल कॉस्ट है। उसके बाद क्या है आपका, ये क्या हो गया कि मान लो जो उसका टाइम लाइफ दिया हुआ है, उस लाइफ के बाद है ना, जैसे 10 साल 5 साल के बाद उसका क्या एक्चुअली में वैल्यू होने वाला है, है ना, वो आपका सैलवेज हो गया। लाइफ मतलब कितने साल का उसका लाइफ है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीरियड, अब आपको कितने साल के लिए निकालना है। जैसे 6 ईयर का है तो आप क्या करोगे, 4 ईयर निकालोगे, 4 ईयर के बाद कितना होने वाला है, या आप निकालोगे 2 ईयर के बाद कितना होने वाला है, तो वो चीज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक हम पहले टेबल निकाल बना लेते हैं। पहले सपोज सबसे पहला क्या निकालेंगे, कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, सेल्वेज। नेक्स्ट क्या होगा, सेल्वेज। नेक्स्ट क्या है, लाइफ, मतलब उस प्रोडक्ट का कितना लाइफ का लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, पीरियड, इसमें क्या यूज करेंगे हम, कितने टाइम का निकालना है, तो ये चीज हम निकालेंगे बाद में। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए, ठीक है। एंड देन इसका जो वैल्यू होगा, यहाँ पे मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ, कोई दिक्कत, नो सर। जो 0 का निकालेंगे 1 का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 1, या फिर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, बेसिकली 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ईयर का और 6 ईयर, ठीक है। अब देखिए, सो कॉस्ट में मान लेता हूँ, कुछ प्राइस मान लेता हूँ किसी का, चलो 15,000 ही मान लेता हूँ, ठीक है, इतना नहीं मानेंगे, 50,000, ठीक है। और उसका लाइफ मान लेते हैं कितने ईयर का, 10 ईयर्स मान लेता हूँ, ठीक है, 5 ईयर क्या है, आप ऐसे बिक जाएगा, आपका कोई वैल्यू नहीं है उसका, तो फिर भी कुछ वैल्यू होता है, जैसे बाइक भी आप कबाड़ में भेजोगे तो फिर भी कुछ वैल्यू मिलता, स्क्रैप वैल्यू जो कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 5,000, ठीक है, 5,000। अब हमें फाइंड करना है क्या, 1 ईयर के बाद कितना होगा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, कॉस्ट टू डीबी, डीबी कॉस्ट, सबसे पहला क्या होगा, कॉस्ट, कॉस्ट 50,000, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सर्विस 5,000, सेलेक्ट कर लेंगे इसको, फिर क्या होगा, लाइफ। चलो अब मुझे किसके लिए निकालना, 1 ईयर के लिए, 1 ईयर इसको सेलेक्ट कर लूंगा मैं, यस सर, और इसको एंटर। अब देखो ये थोड़ा सा ये है इसका, हम ठीक करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली कितना होगा, 10,300, कितना वैल्यू कम हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, 1 साल के बाद इतना वैल्यू उसका जाएगा। इसी तरह से मैं बताऊं आपको, इसको हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, नहीं आएगा। रीजन क्या है, ड्रैग हम तब करते हैं जब यहाँ पे उससे करेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो उस केस में हमें कांस्टेंट रखना है किसको, हमें यस सर, कॉस्ट और सेल्वेज और लाइफ को कांस्टेंट रखना है इस तीनों को, यस सर। तो क्या करेंगे उसके लिए, कोई तरीका,
तो यहाँ पे इस पे हम जाएंगे और लिखेंगे सिलेक्ट करके F4 प्लेस करो, ठीक है। F4 में बता रहा हूँ आपको, जैसे आप क्या चाहते हो, तो इसके लिए भी सेम कॉस्ट यही हो, यस सर, इसके लिए भी क्या सेम सैलरी हो, इसके लिए भी क्या सेम लाइफ हो, ठीक है। उसके बीच पे बात करेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है फॉर्मूला जब सेट करते हैं है ना, तो सबके कस्टमर वैल्यू होता है तब निकालते हैं और ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूला काम करता है, बट हम सेम वैल्यू को सब में यूज करना चाहते हैं, तो कॉन्स्टेंट ही होगा ना वैल्यू, यस सर। तो कॉन्स्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, F4 जैसे कि मैंने अभी A2 था ना यहाँ पे, यस सर, कॉन्स्टेंट करना था, मैंने इसको सेलेक्ट किया और F4 प्रेस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको करना है B2 को, तो B2 को सिलेक्ट करते हैं, यस सर, और क्या प्रेस करेंगे, ठीक है, और कौन सा करना है, C2 ठीक है, और इस पे भी लिखेंगे हम F4, ठीक है, यस सर। आप एंटर करते हैं इसको, हाँ J2 आई थिंक J2 एक्चुअली गर्मिश हो गया है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ मैं यूज करता हूँ A2 क्या होगा, F4 सिलेक्ट, F4 B2 F4 F4 और क्या है C2 F4 ठीक है। F2 तो हमारा वैल्यू होगा, करेंट वैल्यू होगा जिसके बेस पे ये आपका आ गया। इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पे क्या करोगे, कॉमा पे प्रेस करोगे, वो वैल्यू डॉलर साइन हट गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है, तो फाइनली 6 ईयर के बाद क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, 3,000 तो घटेगा, मतलब इतना घटेगा हर ईयर, वो मैं बात कर रहा हूँ ना, यानी पहला पहली बार तो बहुत ज्यादा वैल्यू होगा उसका शुरू में, तो उसके हिसाब से मैं बात करूँ किस मेथड से निकालते, ये डीवी फॉर्मूला यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या जो उस कॉस्ट को घटाने के बाद उस सेकंड ईयर चार्ज हुआ या मेन कॉस्ट, जैसे स्टार्टिंग में कितना था उसका, तो 1 ईयर के बाद उसमें 10,300 क्या हो जाए, कम हो जाए उसका वैल्यू, फिर उसके बाद उसको घटाने के बाद उस वैल्यू पे चार्ज करेंगे, क्या चीज, ये चीज उसका अपना फॉर्मूला है, उसका हम यूज नहीं करें, ये आप बेटर जानते होंगे, ठीक है, तो कितना घट जाएगा, करंट वैल्यू पे आप कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 का निकालते हैं, अब हमने क्या फिक्स किया था, बी हमने कितना, देखो सैलवेज कितना फिक्स किया था हमने, 5,000, इसका मतलब ये है 10 ईयर के बाद इतना वैल्यू उसका होना चाहिए ना, यस सर, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर, तो मैं इसको देखो यहाँ पे 10 ईयर तक का निकाल देता हूँ, ठीक है, yes. और इसको मैं क्या कर दूंगा, ड्रैग कर अप्रोक्स देखो लगभग उसके बराबर आ जाए, टाइम लाइफ दिया हमने, मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाला जो होगा उसका वैल्यू क्या इतना नहीं हो जाएगा, मतलब इतना कम होगा, yes, इतना कम, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका डीवी के हेल्प से वैल्यू निकाल सकते, कोई इशू, तो हर साल कितना का डिप्रिसिएशन पे हो रहा है ये हम देख पा रहे हैं, पहली बार इतना का होगा, सेकंड टाइम कितना रुपए का होगा, थर्ड टाइम कितने रुपए का होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, डिप्रिसिएशन निकालते हैं, बेटर ये टर्म है, आप क्या कहते हैं मैनेजमेंट और अकाउंट का टर्म है, तो आप हमसे जानते होंगे, ठीक है, बट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत, चलिए चलिए, फाइनेंशियल फॉर्मूला है, आपने इसमें देखा होगा फॉर्मूला के अंदर बहुत सारे जो है, यहाँ पे देखो इसके अंदर है ना आपका सेक्शन ऑटो सम रिसेंटली यूज्ड फाइनेंशियल लॉजिकल, तो फाइनेंशियल क्या करिए आप, ठीक है, तो आप लोग खुद से भी क्या करना है, बहुत सारे फॉर्मूला इसमें है, कुछ फॉर्मूला को है ना, कुछ फॉर्मूला को आप लोग खुद से भी ट्राई करके देखना, कोई इशू समझ में नहीं आता क्या, कुछ नहीं है, सिंपल हेल्प पे जाओगे समझ में आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा बहुत सारे रिसोर्सेज से आप देखोगे, आपकी फाइनेंशियल टर्म है तो आप हमसे बेटर जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरह से वैल्यू उसका कोई दिक्कत, ऑब्वियसली आप देखते हो ना, जब आप कोई भी व्हीकल खरीद रहे हो 2 साल के बाद तो कम ही वैल्यू लगाते हैं,
पांच महीना के बाद भी घट जाता है ना, मतलब वो तो लोग आधा, लेकिन उस हिसाब से आधा नहीं होता, वो इस हिसाब से आपका आधा होना चाहिए, ये रूल्स है। लेकिन लोग कहते हैं कि आप तुम यूज कर चुके हो तो चलो इतना ही रुपया में, और जिसको जरूरत होता है वो बेच भी देता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट के हिसाब से मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ये फिक्स कर देती है, इतना यदि कॉस्ट है तो इतना लाइफ है, उसके बाद उसका इतना वैल्यू बचेगा 5000 बचेगा। अब इसको सम करके देखो, हम एक काम करते हैं, सबको सम करते हैं, ठीक है? चलिए सम करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू सम इक्वल टू सम सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे। कितना आया देखो, लगभग लगभग देखो 45,020 इतना कम हुआ है लगभग। देखो अब जो वैल्यू आएगा बचेगा उसका 5000 के आसपास है या नहीं, यस सर। तो इस तरह से क्या होता है आपका, आप फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नो सर। देखिए इसके लिए फॉर्मूला अलग हो सकता है, बट हमें फॉर्मूला पे नहीं जाना है, हमें देखना है कि एक्सेल में कैसे निकालना है, ठीक है? तो सर्टम ये समझना था हमें कि कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, सेल्वेज आफ्टर द लाइफ कंप्लीशन ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, किसी भी एसेट का जो लाइफ है वो खत्म होने के बाद उसका क्या वैल्यू रह जाएगा, गवर्नमेंट के स्तर पर बात करें जो है वो सेल्वेज वैल्यू बहुत ज्यादा था। इसको परसेंटेज में अगर फाइंड करना होगा कि कितना परसेंट हमारा कम हो गया, परसेंटेज निकाल दीजिए, कितना परसेंटेज होगा कोई इशू नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत सर? डीबी का फुल फॉर्म क्या है? क्या चीज डीबी का फुल फॉर्म? डिप्रिसिएशन करके होता है इसका लेकिन ये चीज सैलवेज कॉस्ट चेंज वो नहीं होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सारा जो वैल्यू हमारा इस पे कॉस्ट पे डिपेंड करता है। मैं इसका वैल्यू चेंज करूँ तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होगा, क्या कर दूं इसका कितना परसेंटेज का वो निकाल दो, तो आप अलग से फॉर्मूला परसेंटेज नहीं जानते, वो निकाल दो, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एक इसके बाद तो ये टर्म नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्जाम में पूछेगा भी ऐसा दिया हुआ, नोट डाउन कर लीजिए। कौन है ये करके देखिए, नहीं निकला मैं बता देता, ठीक है? चलिए नोट डाउन कीजिए इसका, इसको क्या था क्वेश्चन, एक मिनट, एग्जाम में क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है? एक्सेल में था तो क्या होता है, फॉर्मूला लिखना है आपको, एक्सप्लेन करना है, तो डीबी है क्या, लिखिए इसके बारे में, डीबी फंक्शन प्लीज आर्टिकल डिस्क्राइब सर, डीबी तब हर साल कितना वो कम हो रहा है, दैट इज है ना, डिप्रिसिएशन बैलेंस बोलते हैं, ठीक है? डिक्लाइनिंग मतलब वही हुआ, डिप्रिसिएशन वही बोलता है, ठीक है ना? फॉर्मूला में क्या लिखोगे, पहली बार फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला में क्या लिखा था, इक्वल्स टू डीबी, पहला क्या होगा उसमें कॉस्ट, सर्विस, लाइफ एंड पीरियड, एक और भी है मंथ भी है, मंथ भी मतलब पीरियड इज अ मंथ है सर, बेसिकली मंथ भी में देना है तो मंथ भी दे सकते, वो चीज मंथ कैसे सुनने, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि छह महीने पे चेंज होता है, ईयर वाइज चेंज हुआ, मान लो पीरियड में जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 5 मंथ्स का ऑप्शनल इस पे नहीं जाएंगे, ऑप्शनल है, ठीक है? हर चीज हमारे लिए जरूरी नहीं होता, ठीक है? फिलहाल लिखिए आप क्या,
और यहाँ पे नोट डाउन सर, लाइक को सर ईयर से कन्वर्ट कर दें तो इसमें मंथ फिर वैसे निकाल सकते हैं। मतलब मंथ ये है कि जैसे देखिए नंबर ऑफ मंथ इन द ईयर, इफ द मंथ इज ओमिटेड इट इज कंसीडर्ड एज 12। मतलब जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे मान लो आप इतने पीरियड के लिए निकालते हो और मान लो सालाना काम कर रहा है, जैसे ये जो डिप्रिसिएशन हो रहा है वन ईयर पे हो रहा है, कभी कभी हो सकता है मे बी डिप्रिसिएशन 4 मंथ पे हो, है ना, या मान लो 6 मंथ पे हो, उस केस में हम जो डिप्रिसिएशन पीरियड लिखेंगे वो कितने का होगा, 6 मंथ का होगा, है ना, तो 6 होगा उस केस में। नहीं है बाय डिफॉल्ट हम ईयरली बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा बाय डिफॉल्ट 12, कोई दिक्कत, सो नोट डाउन कर लेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू डीबी, पहला क्या होगा उसमें कॉस्ट होगा, पीरियड, उसमें से आप लिखोगे सबसे पहला क्या है उसमें सबका मतलब लिखिए, विजिबल है आप सबको, यस सर, यस सर, नोट डाउन कर लीजिए उसको। फर्स्ट क्या है उसमें देखिए, कुछ रिक्वायर्ड है कुछ ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल कौन सा है लास्ट वाला, मंथ क्या है ऑप्शनल, बाकी सारा क्या है रिक्वायर्ड। सो पहला क्या है कॉस्ट, मैं बोल रहा हूँ क्या मैं कहा बोल रहा हूँ नहीं बोलूंगा ना, हर में क्लू रहती है। सो बेसिकली लिखिएगा फर्स्ट क्या है उसमें, फर्स्ट जो आपने दिया था पैरामीटर वो क्या है कॉस्ट, तो लिखिएगा कॉस्ट मतलब क्या, किसी भी एसेट का जो इनिशियल कॉस्ट होगा, तो लिखोगे पहली बात तो ये रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड, और ये क्या है द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है बच्चों, सैलरी, ये क्या होता है, ये भी रिक्वायर्ड है आपका, मतलब जो पार्टिकुलर ईयर प्रोडक्ट का आपका ईयर लाइफ टाइम होता है उसका, उस लाइफ के बाद जो उसका वैल्यू एक्चुअली होना होने वाला है दैट इज कॉल्ड सैलरी। तो लिखिए रिक्वायर्ड होगा और इसमें लिखेंगे द वैल्यू एट द एंड ऑफ द डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के बाद जो उसका वैल्यू होने वाला है दैट इज कॉल्ड सैलरी, ठीक है, और ये भी क्या है आपका रिक्वायर्ड, इसी में लिखोगे समटाइम्स कॉल्ड द सैलरी वैल्यू ऑफ द एसेट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सैलरी वैल्यू ऑफ द एसेट। सो मैं फिर से रिपीट करें, तो पहला क्या है आपका कॉस्ट मतलब इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट, सेकंड क्या है सैलवेज, ये भी रिक्वायर्ड है, द वैल्यू एट द एंड ऑफ द डिप्रिसिएशन समटाइम्स कॉल्ड द सैलवेज वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है आपका लाइफ, लाइफ लाइफ क्या है, ये भी रिक्वायर्ड है, इस पे क्या लिखोगे The number of periods over which the asset is being depreciated, कितने साल तक उसमें depreciation होगा, that is वो क्या है आपका लाइफटाइम, मतलब कब तक डिप्रिसिएशन होगा, एक टाइम के बाद उसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा, मतलब क्योंकि उसका लाइफ ही खत्म हो गया, ठीक है। सो लिखोगे फिर से द नंबर ऑफ पीरियड्स ओवर व्हिच द एसेट इज बीइंग डिप्रिसिएटेड, ठीक है, बीइंग डिप्रिसिएटेड मतलब हर साल उसका वैल्यू कुछ डिप्रिसिएशन हो रहा है उसमें, तो कितने पीरियड तक होगा That is called life. क्योंकि उसके बाद उसका वैल्यू फिक्स अमाउंट वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद जो है आप कह दोगे इतना उसका वैल्यू, ठीक है। तो आखिर स्टार्टिंग में जो कॉस्ट था उसका, अभी जो फिक्स हो गया, उसके बीच में किस तरह से वो हर ईयर चेंज हुआ है ना, उसी को हम निकालने की कोशिश करें। नेक्स्ट लिखोगे क्या है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है पीरियड, मतलब ये तो लाइफ हो गया ना, बट आप कितने पीरियड के लिए निकाल रहे हैं,
आप कितने पीरियड के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, कितने पीरियड के लिए आप निकाल रहे हो। जैसे कि उस प्रोडक्ट का लाइफ टाइम मान लो 10 इयर्स, आपको पता करना है कि सेकेंड ईयर में क्या था, थर्ड ईयर में क्या था, फोर्थ ईयर में क्या था। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, पीरियड यहाँ तो लिखोगे, ये भी रिक्वायर्ड है क्योंकि इसी के बेस पे तो ये निकालना है मुझे कि इस पीरियड में कितना होगा, इस पीरियड में कितना होगा। तो लिखोगे द पीरियड ऑफ विच यू वांट टू, द पीरियड फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट हाँ, तुम बीच में खड़े हो जाओ। यस आप बताइए, पूछना है आपसे। सर्वे का क्या मतलब होता है? बताइए काम नहीं होता है, वो बात ही करता है, इसको पता नहीं होता है कि हम जो लिख रहे हैं हमारे काम का चीज है, ठीक है ना। देखिए, सो मैंने क्या बोला आपको, हाँ, द पीरियड फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन पीरियड। डिप्रिसिएशन मतलब जितने साल का डिप्रिसिएशन निकालना चाहते हो, जितने यानी फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, है ना, वो चीज बताया गया। नेक्स्ट है आपका, यानी फोर्थ ईयर के बाद, फिफ्थ ईयर के बाद मतलब क्या होगा, वो चीज आपको फाइंड करना है। पीरियड मस्ट यूज द सेम यूनिट एज लाइफ, मतलब लाइफ यदि ईयर में है तो आपका वो भी क्या होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। यदि मान लो क्वार्टरली है तो क्वार्टरली भी आपका होना चाहिए, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी होगा उसके हिसाब से हम पीरियड सिलेक्ट करेंगे। मान लो किसी प्रोडक्ट का 6 महीने पे चेंज होता है, सपोज उसके इसमें हम क्या लिखेंगे बताओ, मंथ में फिर क्या करेंगे, इसका मतलब जो पीरियड है हमारा वो 6 मंथ का है, तो हम मंथ में क्या देंगे, 6 देंगे। यदि मान लो वो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं देते, मतलब क्या वो ईयरली चेंज हो रहा है, उसके इसमें क्या होगा आपका, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू 12 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लास्ट क्या है, क्या चीज, हाँ कोई बात नहीं, 1 2 3 4 कर लीजिए। ये मैंने इसमें देखो किसी भी फॉर्मूला के बारे में हमको नॉलेज चाहिए पूरा, आप इक्वल टू फॉर्मूला का वो लिख दो, जैसे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज इसका मतलब ईयर 10 ईयर होगा, तो मेरे लिए 10 ईयर का है, तो आखिर पीरियड भी हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मंथ होगा, मतलब मंथ देना पड़ेगा। अब मंथ मतलब ये 10 ईयर, चलो ठीक है, लेकिन मान लो हम ऐसा कहते हैं कि जो हमारा डिप्रिसिएशन जो है वो हाफ ईयरली हो रहा है, उस केस में फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा मंथ सेक्शन में, ठीक है, कि जो डिप्रिसिएशन है वो, यानी जो पीरियड हमारा है वो 6 मंथ का है, तो पीरियड तो यहाँ पे रहेगा ही हमारा, तो हमें बताना पड़ेगा मंथ में कि वो 6 पे, ठीक है, उस केस में ये 6 मंथ का लाइफ का, हर एक 6 मंथ के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आया उसको, नेक्स्ट क्या है आपका मंथ, जो कि ऑप्शनल है, आप कुछ भी नहीं दोगे, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा ये 12, मतलब 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, उस हिसाब से इसलिए फॉर्मूला भी दिया हुआ आपको, रेट निकालने का भी।
लेकिन रेट निकालना है ना, किस रेट से डिक्रीमेंट हो रहा है, कभी बोला था कोई? आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, विजिबल है आपको? रेट निकालना है तो रेट मतलब वही परसेंट आपको जो निकालना है आप ये निकाल सकते हैं। बट ये इतना डिप में हमें नहीं जाना, क्योंकि ये चीज अकाउंटिंग का पार्ट है, हमें बस फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। एस्पेशली यूज कौन करने वाला है इसको? आप लोग यूज करने वाले हैं, है ना? ये पावर, आप पावर देते हैं ना उसपे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है? चलिए सर थोड़ा सा ऊपर करिए। यस, मंथ वाला क्या है? मंथ वाला थोड़ा दिखाइए, मंथ वाला लिख। डू फास्ट, ये ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल मतलब आपको डिसाइड करना है, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं, नॉर्मली डिप्रिसिएशन ईयरली ही होता है, ठीक है? हो गया, तो उस केस में लिखिए। लेकिन हमें कुछ केसेस में आपको ज्यादा पता होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग उस फील्ड से हो। बल्ब का निकालेंगे 6 महीना का। हाँ, जैसे कि मैं बात करूँ उस ऐसे खाने पीने की चीजें जो होती है वो तो महीने में कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा, लेकिन जो व्हीकल्स है हमारा, जैसे स्क्रैप वैल्यू जो होता है ना, गवर्नमेंट मान लीजिए आप नहीं किसी को दोगे ना, तो गवर्नमेंट उतने में वो आपको दे देगी, ले लेगी गवर्नमेंट वो आपको उतना। लास्ट में प्राइस कितना बोला था मतलब, गवर्नमेंट आपको 2000 देके उसको स्क्रैप में वो ले लेगी, ठीक है? तो बाइक हो, व्हीकल हो, हर चीज का क्या होता है, अपना एक वैल्यू होता है, जब आप परचेज करोगे तो आपको सारा दिया जाएगा उसका, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, क्या है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी भी चीज का, ये क्या होता है? चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। इक्वल्स टू एनपीवी, ठीक है? और हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है आपको, मैं डबल क्लिक करूंगा इसके बारे में सारा डिटेल आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनपीवी, नोट डाउन कर लीजिए। अब होता क्या बेसिकली, देखिए जनरली समझिए कहाँ यूज करते हैं। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो आप सिंपल सी बात को बिजनेस स्टार्ट किए, है ना? और बिजनेस स्टार्ट किया आपने, कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा फर्स्ट टाइम, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो आपको रिटर्न भी तो मिलेगा ना उसका, कि फर्स्ट ईयर में कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, सेकेंड ईयर में कुछ वैल्यू मिलेगा, थर्ड ईयर में कुछ वैल्यू मिलेगा, तो उसके बेस पे, और साथ में मतलब डिस्काउंट, मतलब एक रेट भी होता है, डिस्काउंट रेट भी होता है। बेसिकली ये होता क्या है, मतलब कि किस रेट से जो है, मतलब वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली हम चाहते हैं इतना इतना हमें मिले, है ना? उस केस में हम चाहते हैं कि इतने साल के बाद, या हम पता करना चाहते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, है ना? तो उसके लिए यदि पॉजिटिव हमारा एनपीवी पॉजिटिव आएगा, मतलब कि हमारे लिए बिजनेस सही है, नेगेटिव का मतलब है कि वो लॉस में, ठीक है? तो इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लिखेंगे। अब इसके लिए है क्या हमारे पास, कुछ डेटा हमारे पास होना चाहिए, yes, क्या होना चाहिए? पहली बात रेट होना चाहिए हमारे पास, yes। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, क्या लिखता हूँ? इन्वेस्टमेंट, इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, क्या चाहिए हमें? रेट, जैसे कुछ वैल्यू हमें, हाँ कैश फ्लो, उसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो क्या होता है समझिए, बेसिकली कि हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमें रिटर्न मिलेगा ना, तो रिटर्न मिलता है उसी को कैश फ्लो बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, इसके बाद सो बेसिकली मान लो कैश फ्लो मतलब ये कि पहली बार मान लो हमने वैल्यू जो लगाया, इन्वेस्ट किया होगा, कुछ वैल्यू सडन किया होगा, मान लो कितना इन्वेस्ट किया, तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नेगेटिव होगा, क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि हम उसको उससे लगा रहे हैं, जो रिटर्न होगा वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है? तो मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस कैश फ्लो है, तो वो भी तो कैश फ्लो ही हमारा है, जितना मतलब कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हम
में रिटर्न मिला, वो सारा जो कैश का फ्लो, मतलब या तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं माइनस मतलब जा रहा है प्लस मतलब जो हमें रिटर्न मिल रहा है, दैट इज ठीक है। तो मैं 2000 मान लो 2 लाख कितना है, 2 लाख नहीं हुआ, 20 लाख और 0 हो गया। यस सर। अब मान लो फर्स्ट ईयर हमें कुछ अमाउंट मिलेगा, सपोज मान लो फर्स्ट ईयर में क्या लिखो उसमें 1 लाख कितना हो गया ठीक है। सेकेंड ईयर में हमें कुछ रिटर्न मिला उससे बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कुछ तो हेलो मिलेगा ना आपको, फायदा भी तो होगा ना उसमें। नेक्स्ट क्या है डिस्काउंट रेट क्या होता है या उसको सिंपल डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं रेट भी बोलते हैं ठीक है। अब ये रेट क्या है, देखिए रेट जो मैंने बोला था इसमें है क्या, द रेट ऑफ डिस्काउंट ओवर द लेंथ ऑफ वन पीरियड है ना। नेक्स्ट तो इसका मान लो मैं कितना परसेंट रखूं, 8% सपोर्ट 8% रखता हूं क्योंकि वैल्यू जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसका वैल्यू तो मान लो आज हमने 2 लाख लगाया होगा उसका वैल्यू कम होगा या कम बाद में 2 साल के बाद उसका वैल्यू तो कम हो जाएगा ना, किस रेट से उसका डिस्काउंट होगा ठीक है, उसके बेस पे हम निकाल रहे हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, मान लो मैं निकालता हूँ इक्वल्स टू क्या निकालना है मुझे, एनपीवी ना, मैं लिखता हूँ एनपीवी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए, एनपीवी ब्रैकेट सबसे पहला क्या है रेट, रेट सर 8% कॉमा क्या है अ वैल्यू, जो वैल्यू आपका है तो यहाँ से सारा जो भी कैश फ्लो है आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, बंद कर दोगे। इसको मैं हटाने के लिए क्या करूंगा, तो ये इसका एनपीवी हो गया। अब ये मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या कि एक्चुअली में इसमें आप क्या करेंगे बताइए, इसमें माइनस करते हैं है ना, ये हमारा एनपीवी आया नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसमें फिर से फॉर्मूला पुट कर लेते हैं और क्या था यहाँ से आता है। तो यदि एनपीवी का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, ठीक है इस हिसाब से निकाल सकते। अब ये पॉजिटिव आया ना आपका, पॉजिटिव आया इसका मतलब ये जो बिजनेस हमारा जो जिसका रिटर्न आ रहा है वो क्या है, मान लो हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमें आइडिया होगा कि हो सकता है अगले साल मुझे इतने का रिटर्न हो, उसके अगले साल इतने का रिटर्न हो, तो फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं 8% के हिसाब से देखा जाए तो फाइनली हमें इतने का फायदा होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं एनपीवी रेट निकाल, सो नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और आपको वैल्यू एक्चुअली भी निकालना है तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, जैसे एनपीवी लिखे हो ना इसमें हम प्लस जो कैश फ्लो वाला अलग से ऐड कर देंगे, प्लस क्या है, प्लस क्या है आपका पहला वाला वैल्यू 70, सो बेसिकली ये उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या किसने क्वेश्चन, मैंने बोला आपको प्लस ये है ना आपका वैल्यू, इसमें हम प्लस जो है जितना इन्वेस्टमेंट हमने किया था उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे बिक्री, ये जो इन्वेस्टमेंट आपका क्या है यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, सपोज इतना उसका क्या है करंट वैल्यू, और आगे तो और भी हमको फायदा होने वाला है इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब इतना का फायदा हुआ
तो एनपीवी एक्चुअली एनपीवी का फॉर्मूला यही करता है, यहाँ से देखता है एनपीवी का फॉर्मूला आपका यही करता है, ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी आपको फाइंड करना तो उसमें आप ऐड कर दें जितना इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि वो नेगेटिव है आपका, सब्ट्रैक्ट होकर जो आएगा पीछे का वो उतना का आपका, कोई दिक्कत? नो सर, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला क्या है इसमें, टू फर्स्ट फॉर्मूला में क्या लिखोगे एनपीवी, और पहला क्या है इसमें रेट, सेकंड क्या लिखोगे, अब जितने भी वैल्यूज आपने लिया है रेट के बाद वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री इस तरह से, चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ डिस्काउंट रेट को थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 20 कर रहा हूँ, तो क्या होगा, चेंज हुआ वैल्यू? Yes, मैं यहाँ पे वैल्यू मान लो लिख देता हूँ ऐसे 2% करता हूँ, फिर क्या होगा, चेंज होगा, तो वैल्यू इस तरह से आपको चेंज हो गया है, ठीक है? चलिए लिखिएगा, फर्स्ट पहला रेट हो गया, वैल्यू वन वैल्यू टू इस तरह से जितने भी वैल्यूज आपको देना उसके बेस पे, सो बेसिकली लिखिएगा पहला द रेट ऑफ डिस्काउंट ओवर द लेंथ ऑफ वन पीरियड, क्या इतने वैल्यू तक आप यूज कर सकते, ठीक है, जैसे अभी मैंने कितना लिया, एक दो तीन चार ही लिया ना वैल्यू, आप और भी यूज कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट, सो वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू सब क्या होगा, रेट तो लिख लिया आपने, वैल्यू वन वैल्यू टू क्या होगा, सब्सिक्वेंट वैल्यूज आर ऑप्शनल, है ना, मतलब आप एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, चार भी लिख सकते हो, सब्सिक्वेंट वैल्यू होगा, पेमेंट एंड इनकम, ये इनकम क्या है आपका वो बताएं, ठीक है, कितना आपको इनकम हो रहा है उससे रिटर्न जो है, कोई दिक्कत? ये इसका फॉर्मूला है, कैलकुलेट करिए, यस क्या हुआ, नोट डाउन कर लीजिए, मेरे लिए इतना ही काम का था बेसिकली, ठीक है, वैल्यू वन वैल्यू टू में क्या कर, मस्ट बी इक्वली स्पेस्ड, क्या होना चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, हमने इक्वली स्पेस्ड नहीं यूज किया है, हम जब भी करना होगा तो मान लो जैसे कि 70,000 हो सकता है अगले बार थोड़ा ज्यादा हो रिटर्न हमारा, तो मान लो 50,000 कर देंगे, 10,000 ज्यादा हो सकता है अगले बार हम थोड़ा सा और ज्यादा कर देंगे, तो जनरली वो क्या होना चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चों, इस दोनों को आप लोग भी देख लीजिए अपने एंड से, डीबी फंक्शन है, डीबी फंक्शन, डीबी एंड